Good morning, students. Today, I'm going to describe your same chapter which we continue last week of your English reader book, The English Circle of 7th Grade. We are already on a chapter of I Have a Change. We complete its two pages and we are on here, Cambridge, Mr. Pagotti. Now, let's begin. But at this moment, Pagotti, I mean my own particular Pagotti, made such impressive motions to me not to ask any more questions. As we know that in the last pages, David.

आई मीन माई ऑन पैस्युलर पैगोटी ठीक है ना पेक्युलर क्या होता है अजीब ठीक है उसने अजीब सा फेस बनाया एंड मेड सच इम्प्रेसिव मोशंस ठीक है उसने इशारा किया कुछ फेस बनाया और उसको इशारे से समझाया नॉट टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन

करती है डेविड को कि व्हाट इज दैट शी इन्फॉर्म्ड मी दैट हैम एंड एमली वर एन ऑर्फेन नेफ्यू एंड नीस हुम माय होस्ट हैड अ डिफरेंट टाइम्स अडोप्टड इन दियर चाइल्डहुड एंड दैट मिसिज गैम्ब्रिज वॉज द विडो ऑफ हिज पार्टनर इन अ बोट हु हैड died वेरी पुअर ठीक है पैगोटी क्या बताती है डेविड ने जितने भी क्वेश्चन पूछे होते हैं उसका आंसर देती है वो उसको बताती है कि हैम और एम्ली अनाथ हैं ठीक है वो उसके नेफियो नीस है जिसके उसके होस्ट ने उनको डिफरेंट टाइम्स में मतलब काफ़ी समय पहले childhood में अडॉप्ट किया था और जो मिसिज कैम्ब्रिज है वो उस बोट में जिस हाउस में वो रह रहे हैं जो मिस्टर पैगोटी के पार्टनर थे बिजनेस में वो उनकी विडो हैं जो कि चुके हैं ही वॉज बट अ पुअर मैन हिम सेल्फ सेटी बट एज गुड एज गोल्ड एज ट्रू एज स्टील दोज वर हर सिमलेस ठीक है He was but a poor man himself, ठीक है ना वो कहते हैं कि जो उसका पार्टनर था वो उसे बताती है वो एक पुअर डाइट मर गया मतलब वो ड्राउन डेड हुए थे ठीक है पानी में डूब के मर गए थे तो बताती है कि वो बहुत ही अच्छे थे as good as gold, as true as steel. These are the symbols you already well known about this. The only subject she informed me. On which he ever showed a violent tap temper was this generosity of his, and if it were ever referred to by any more one of them, he struck the table with a heavy blow with his right hand. नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ दिसन ठीक है द ओनली सब्जेक्ट मीन्सोटी उसको जितना इन्फॉर्म कर सकती थी उसकी फैमिली के बारे में उसने उसको इंफॉर्म किया लेकिन जो डेविड था कुछ और भी जानना चाहता था वाज हिज जेनरोसिटी ऑफ हिज ठीक है वो कुछ और भी जानना चाहता था वॉयेंट टेम्पर क्या कर रहा है मतलब वो बता रहे कि पैगोटी ने उसको इतना ही बताना चाहा लेकिन जो डेविड था वो कुछ और भी जानना चाहता था तो इस पर वो उसको थोड़ा सा गुस्से बोलते कि अब इससे ज़्यादा तुम किसी से कोई क्वेश्चन पुट नहीं करोगे किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करोगे देन उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है ही स्ट्रक द टेबल विद द हैवी ब्लो विद हीज़ राइट हैंड ठीक है उसके पास जो टेबल पड़ा है वो अपने राइट right हैंड से उसको स्ट्रक करता है मतलब अपना जो हैंड है वो टेबल के ऊपर काफ़ी हैवी वे से मारता है ऑलमोस्ट एज सुन एज द मॉर्निंग शोन आई वॉज आउट ऑफ बेड एंड आउट विद लिटिल एमली पिकिंग अप स्टोन्स अपॉन द बीच ठीक है वो कहता है कि अगली मॉर्निंग जैसी सुबह होती है शोन इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स शाइन ठीक है रोशनी बिखेरना आई वॉज आउट ऑफ बेड ठीक है मैं बेड से उठा एंड आउट विद लिटिल एम्बली मतलब जैसे ही मैं बाहर गया मैंने देखा कि लिटिल एम्बली बीच के पास स्टोन्स को पिक कर रही है यू आर अ क्वाइट सेलर आई सपोज आई सेट टू एम्बली। आई डोंट नो दैट आई सपोज एनी थिंग ऑफ द काइंड बट आई फेल्ट इट एन एक्ट ऑफ गैलेंट्री टू से समथिंग ठीक है गैलेंट्री वॉट इज द मीनिंग ऑफ करेज ठीक है यू आर अ क्वाइट सेलर आई सपोज ठीक है आई सेट टू एमली ठीक है जो डेविड ऑफ एमली को बोलते हैं आई थिंक यू आर अ क्वाइट सेलर ठीक है आई डोंट नो आई सपोज एनी थिंग टू ऑफ द काइंड कहता मुझे नहीं लगता मुझे इसमें कुछ एनी थिंग काइंड होना चाहिए बट आई फेल्ट इट एज एन एक्ट ऑफ गैलेंट्री ठीक है बट आई थिंक सेलर होना भी किसी के लिए एक बहुत ही गैलेंट्री की बात है टू से समथिंग नो रिप्लाइड एमली शेकिंग हर हैड आई एम अफ्रेड ऑफ द सी फिर वो कहती है नो no, मेरे लिए कोई गैलेंट्री की बात नहीं है वो सिर हिलाती है अपना वो कहती है कि मैं समुन्दर से डरती हूँ अफ्रेड आई सेड विद बिकमिंग एयर ऑफ बोल्डनेस एंड लुकिंग वेर बिग एट द माइटी ओशियन आई एम नॉट एन नॉट मीन आई एम नॉट वो कहता है अफ्रेड किससे डर लगता है तुम्हें? मैंने बड़े ही बोर्ड के साथ समुद्र की तरफ देखते हुए उसकी बिग ओशियन लहर को देखते हुए उसको बोला मैं नहीं डरता बट इट्स क्वैरल सेड एम्बली वो कहती है हाँ लेकिन ये जो समुंदर है बहुत क्वैरल है आई हैव सीन इट वेरी क्वेल टू सम आवर मैन ठीक है मैंने इस क्वे इस समुंदर को अपने कितने ही मैनस के साथ क्वैरल होते हुए देखा है आई हैव सीन इट टीयर बोट एज बिग एज अवर हाउस ऑल इन टू पीसीज ठीक है जब समुद्र में तूफान आता है ठीक है उसकी बात कर रही है जब समुद्र में तूफान आता है लहरें उठती हैं कोई शिप या बोट होती है वो डूब जाती है दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन आई हैव सीन इट टीयर अ बोट ठीक है मैंने इस सम, इसी समुद्र को बोट को जो कि हाउस की तरह बड़ी होती है इस समुद्र को उसे टुकड़ों में बांटते हुए देखा है आई होप इट वॉज नॉट दैट द बोट दैट क्या द आई होप इट वॉज नॉट द बोट ठीक है ना आई होप कि शायद वो बोट ना होती दैट फादर वॉज ड्राउन डेड इन सेड ऐमली नो नोट दैट वन आई नेवर सी दैट बोट ठीक है ना वो कहती है कि वो मेरे पापा हैं जो कि ड्राउन डेड हो गए हैं मर चुके हैं पानी में डूब के बट मैंने कभी वो बोट नहीं देखी नोर हिम आई आस्कड हर हिम नोरम मैंने भी नहीं देखा लिटिल एमली शुक हर हैड नोट टू रिमेंबर वो फिर से अपना सिर हिलाती है कि मुझे कुछ याद नहीं है Move on next page. Here was a coincidence. Tika here was a coincidence. I immediately went into an explanation how I had never seen my own father and how my father how my mother and I had always lived by our shelves in the happiest states imaginable. कॉन्सीडेंस क्या है कि वो बताता है डेविड कि मैंने भी अपने पापा को नहीं देखा ठीक है और तुमने भी अपने पापा को नहीं देखा मेरे भी पापा नहीं हैं और तुम्हारे भी पापा नहीं हैं सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन वेंट टू एक्सप्लेनेशन मतलब मैं उसको एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ आई हैड नेवर सीन माई ओन फादर एंड हाउ माई मदर एंड आई हैड ऑलवेज लिव्ड बाई अवर सेल्वस इन दैप्पीस्ट स्टेट इमेजिनेबल ठीक है और कैसे मैंने और मेरी मम्मी ने हम दोनों ने अपनी लाइफ को इमेजिनेबल के तौर पर खुश बनाया है एंड लिव्ड सो दैन तब से हम दोनों इकट्ठे रह रहे हैं एंड ऑलवेज मीड टू लिव सो एंड हाउ माई फादर्स ग्रेव वज इन द चर्च यार्ड नियर आवर हाउस होता था कि हम तब से एक दूसरे के साथ रहते हैं एक दूसरे का साथ देते हैं और कैसे मेरे पापा की जो ग्रेव है ग्रेव आपको पता है ना कब्र ठीक है वो हमारे पास ही में ही चर्च में जो है चर्च यार्ड में हमारे घर के पास है जो वहाँ पर है एंड शेड बाई अ ट्री ब्रीथ द बोज इन विच आई हैड वॉकड एंड हीयर द बर्ड्स सिंग मैनी अ प्लीजेंट मॉर्निंग वो कह रहा है कि जहाँ मेरे पापा की ग्रेव है वहाँ पे उनकी ग्रेव पे ट्रीज की छाँ आती है वहाँ पे पक्षी गाना गाते हैं बहुत ही अच्छी मॉर्निंग होती है मैं हर सुबह उनसे वहाँ पे गार्डन में वहाँ चर्च यार्ड में मिलने जाता हूँ आई हैड वॉकड एंड हेयर ठीक है मैं जाता होता था अभी क्योंकि वो उसके पास है तो वो अपने पास की बात उसे बता रहा है कि मैं वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर पक्षियों की आवाज़ को सुनता हूँ अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग

और उसके पापा की जो ग्रेव है उसे नहीं पता वो कहाँ पे है शायद वो समुंद्र की गहराइयों में है डेप्स क्या होता है गहराई इट वॉज सम वी इन द डेप्स ऑफ द सी आई होप एवरीबडी यू हैव टू क्लियर बिसाइड्स सेड एमली योर फादर वॉज अ जेंटलमैन एंड योर मदर इज़ अ लेडी एंड माई फादर वॉज़ अ फिशरमैन एंड माई मदर वॉज़ अ फिशरमैन डॉटर एंड माई अंकल डैन इज़ अ फिशरमैन ठीक है वो कहती है एमली क्या बोलती है आपके पापा तो जेंटलमैन है और आपकी जो मदर है वो बहुत एक अच्छी लेडी हैं बट माई फादर इज़ अ फिशरमैन लेकिन जो मेरे पापा है ही इज़ अ वॉज़ अ फिशर मैन माई मदर वॉज अ फिशरमैन डॉटर ठीक है और जो मेरी मदर है वो भी फ़िशर मैन की डॉटर है माई अंकल डैन इज़ आल्सो फिशर मैन डैन इज़ मिस्टर पैगोटी इज़ ही सेड आई कहता डैन आप मिस्टर पैगोटी को ही बोल रही हो ना अंकल डैन योंडर अंसर द एमली नोडिंग एट द बोट हाउस ठीक है ना अंकल डैन योंडर व्हाट इज द मीनिंग योंडर ओवर देयर ठीक है वो इशारा करके बोलती है नोडिंग होता है इशारा करना बोट हाउस की तरफ इशारा करके बोलती है अंकल डैन यस आई मीन हिम हाँ मिस्टर पैगोटी को ही मैं अंकल डैन बोल रही हूँ ही मस्ट बी वेरी गुड आई शुड थिंक वो कह, कहती है कि वो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं गुड सेड एमली इफ़ आई वॉज एवर टू बी अ लेडी आई वुड गिव हिम अ स्काई ब्लू कॉट विद डायमंड बटन्स ट्राउजर्स और रेड वेल्व ट्विस्ट कॉट एंड अ कोकड हैट अ लार्ज गोल्ड वॉच अ सिल्वर पाइप एंड अ बॉक्स ऑफ मनी क्लियर वो कहती है कि जब मैं आई वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इफ़ आई वॉज़ एवर टू बी अ लेडी द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ठीक है जब मैं बड़ी हो जाऊँगी और मैं बहुत सारे पैसे कमाने लग जाऊँगी देन आई वुड गिव हिम नो नीड टू ट्रांसलेशन स्काई ब्लू कॉट विद डायमंड बटन्स ट्राउजर्स रेड वेलवर्ट रिस्ट कोट कोकड हेड कोकड हेड कौन सी होती है जो लंबी होती है ऊपर की साइड को लंबी होती है अ लार्ज गोल्ड वॉच ए सिल्वर पाइप एंड अ बॉक्स ऑफ मनी यू वुड लाइक टू बी अ लेडी आई सेड डेविड उसको क्वेश्चन पुट करता है तुम लेडी बनना चाहती हो एमली लुक्ड एट मी एंड लाफ्ट एंड नोड येस आई शुड लाइक इट वेरी मच वी वुड ऑल बी अ जेंटल फोक्स टूगैदर देन मी एंड अंकल एंड हैम एंड मिसिस गैब्रिज वी वुड नॉट माइंड दैन वेन देयर कम्स स्टोमी वैदर ठीक है कहती है येस yes, मैं बनना चाहती हूँ आई लाइक इट वेरी मच इवन वी आर ऑल जेंटल फॉक्स ठीक है हम सभी एक जेंटल फॉक्स हैं जो हम इकट्ठे रहना चाहते हैं मी अंकल हैं मिसिज गैम्ब्रिज ठीक है और हम किसी भी स्टोमी uh, वैदर का माइंड नहीं करेंगे नॉट फॉर आवर ऑन सेक्स आई मीन वई वुड फॉर द पुअर फिशरमैन टू बी श्योर एंड वे वी वुड हेल्प एम विद मनी वेड दे कम टू एनी हर्ट ठीक है ना वो कहते हैं कि हम सभी एक जेंटल फोक्स की तरह जीना चाहते हैं अगर कहीं तूफान आता है स्टोमी वेदर आता है अगर किसी को कोई नुकसान होता है ठीक है तो हम सभी वुई ठीक है वु वुड हेल्प तो हम सभी उन लोगों की हेल्प करेंगे मनी के साथ जिनको कोई भी हर्ट हुआ होगा मूव नेक्स्ट पेज दिस सीम्ड टू मी टू बी अ व व वेरी सेटिस्फैक्ट्री एंड देयर फोर नॉट एट ऑल इम्पोवरेबल पिक्चर ठीक है वॉट इज द मीनिंग ऑफ इम्पोवरेबल नॉट लाइकली टू हैपनिंग जो डेविड है वो उसकी इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है सेटिसफाई होता है वो कहता है कि मेरे लिए एक नॉट लाइकली टू हैपन एक ऐसी पिक्चर है जो कभी शायद हैप्पन नहीं होगी आई एक्सप्रेस्ड माई प्लेजर इन द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ इट ठीक है वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट डीप थिंकिंग ठीक है आई ही एक्सप्रेस ड माई प्लेजर ठीक है मैं अपनी खुशी को एक डीप थिंकिंग में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ लिटिल एम्बली वॉज एम्बोल्डन टू से शाइली डोंट यू थिंक यू आर अफ्रेड ऑफ द सी नाउ ठीक है एम्बोल्डेड मीनिंग इज मे टू फील कॉन्फिडेंट ठीक है जो कह है वो क्या सोच रहा है कि मैं लिटिल एमली को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट करना चाहता हूँ कि तुम्हें सी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है डोंट यू थिंक यू आर अफ्रेड ऑफ द सी नाउ आई सेड नो एंड आई एडड यू डोंट सीम टू बी एदर तो यू से यू आर फॉर शी वॉज वॉकिंग मच टू नियर द ब्रिक ऑफ अ सोर्ट ऑफ गोल्ड ऑफ ओल्ड जेटी वुडन कॉजवे वी हैड स्टोल्ड अपॉन एंड आई वॉज अफ्रेड ऑफ हर फॉलोइंग ओवर ठीक है इन दिस पैराग्राफ वट इज द मीनिंग डेविड है उसका जो डर है वो निकालने की कोशिश कर रहा है वो कहता है कि देयर इज नो नीड टू बी सीम एनी काइंड ऑफ अफ्रेड यू हैव टू बी बॉदर दैट है शी वॉज वॉकिंग मच टू नियर ठीक है टू नियर में जो ब्रिंक होते हैं समुंदर के किनारे पर चलना ओल्ड जैटी जैटी इज गिवन टू यू अ प्लेटफॉर्म आउट इन टू द सी ठीक है ना बिल्कुल समुंद्र के किनारे पर चलना और वो

आई एम नॉट अफ्रेड इन दिस वे तो एमली उसको क्लियर करती है मैं इस तरीके से नहीं डरती कि मैं पानी में गिर जाऊँगी बट आई वेक वेन इट ब्लोज एंड ट्रेम्पल टू थिंक ऑफ अंकल डेन एंड हैम एंड बिलीव्ड ठीक है वो कह रही है कि वेक उसको बताती है कि मैं समुंदर से किस वे से डरती हूँ इस वे से नहीं डरती कि समुद्र में तूफ़ान आएगा और मैं मर जाऊँगी बल्कि मैं इस वे से डरती हूँ कि

हेल्प के लिए चिल्लाना पड़े ठीक है और मैं उनकी हेल्प ना कर पाऊँ वो ये कहना चाहती है कि इसीलिए मैं लेडी बनना चाहती हूँ ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ दैट्स वाई आई शुड लाइक टू सो मच टू बी अ लेडी टू हेल्प दैम कि कभी ऐसा ना हो कि वो मुझे हेल्प के लिए बुलाए और मैं उनकी हेल्प ना कर पाऊँ दैट्स वाई आई एम अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स वी मेड अवर वे होम टू मिस्टर पैगोटीज़ डवेलिंग लाइक टू यंग मैविशी मिस्टर पैगोटी सेड ठीक है आई न्यू दिस मीट इन अवर लोकल डायलेक्टेड लाइक टू यंग थ्रेशर्स एंड रिसीव्ड इट एज अ कॉम्प्लीमेंट अब हम दोनों ने अपना रास्ता मिस्टर पेगोटी की हाउस की तरफ कर लिया था डिवेलिंग होता है अ हाउस फ्लैट ठीक है लाइक टू यंग मैविशी ठीक है ना हम ऐसे चलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे टू यंग मैविशी बहुत अच्छे तरह चल रहे हैं मिस्टर पैगोटी सेड आई न्यू दिस मीट इन अवर लोकल डायलैक्ट लाइक टू यंग थ्रैशर्स ठीक है वट इज द मीनिंग थ्रैशर्स बर्ड्स विद ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स वो कह रहा है कि तब जब तुम दोनों दूर से चल के आ रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई बर्ड्स जो हैं ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉर्ट्स के साथ उड़ रहे हैं रिसीव्ड इट एज अ कॉम्प्लीमेंट हमने मिस्टर पैगोटी से ये कॉम्प्लीमेंट रिसीव्ड किया कि वी आर आ, Come to home like in this way that birds are look like black and brown spots coming to near the house. Of course, I was in love with little Emily. I told Emily I adored her, and that was useless. She confessed she adored me. What is the meaning of adore? That is respect, deeply respect. When इस वे में लव करते हो कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो लव एंड रिस्पेक्ट डीपली द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रॉपरली लव एंड रिस्पेक्ट डीपली ठीक है वो कह रहा है कि मैं एमली की थिंकिंग से लव करने लग गया था एमली इतना छोटे होते हुए भी इतनी इतना अच्छा सोचती है इतना बड़ा सोचती है सो आई हैव आई वॉज इन लव विद एमली एंड आई एडॉड एमली ठीक है मैं उसकी रिस्पेक्ट करने लग गया हूँ डीपली से अनलेस उसने माना नहीं कि वो भी मेरी रिस्पेक्ट करती है पर मैं जानता हूँ कि वो करती है आई शुड बी रिड्यूज टू द नेसेसिटी ऑफ किलिंग माई सेल्फ विद द सावड शी सेड शी डिड एंड आई हैव नो डाउट शी डिड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था एमली के साथ बात करके आई शुड बी रिड्यूस टू द नेसेसिटी ऑफ किलिंग माई सेल्फ कहता मैं अपने आप को किल हर तलवार के साथ किल करने वाली निसेसिटी को फील कर रहा था कि मुझे मीन्स डेविड फील्स टू मच गुड टू नो द फीलिंग्स ऑफ द लिटिल एम्ली कि शी इतनी छोटी लड़की कि इतनी हाई थिंकिंग है अबाउट देयर अंकल एंड हैम एंड मिसिज पैगोटी वो शी सेड शी डिड वो कहती वो भी सब कुछ कर सकती थी आई आई हैव नो डाउट शी डिड कि मैं जानता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत कुछ कर सकती थी एट लास्ट द डे केम फॉर गोइंग होम आई बोर अप अंगेज द सेपरेशन फ्रॉम मिस्टर पैगोटी एंड मिसिज कैम्ब्रिज बट माई एगोनी ऑफ माई माइंड एट लिविंग लिटिल एमली वॉज प्रस्पिंग ठीक है वो क्या बोल रहे हैं अब इस बात को लेके कि एट लास्ट वो डे आ गया जब मुझे अपने घर वापिस जाना है बोराप मीज मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है बोराप मैं उनको छोड़ के नहीं जाना चाहता सेपरेशन फ्रॉम आई बोरअप अंगेज का सेपरेशन होता है अलग होना मिस्टर पेगोटी मिसेस गैम्ब्रिज बट माई एगोनी ऑफ माई माइंड एट लिविंग लिटल एमली एगोनी होता है मेरे मन के किसी कोने में एमली को छोड़ना भी मुझे बहुत ही बोराप लग रहा था वो इवेंट आम एंड आम टू पब्लिक हाउस वेयर इन द कैरियर पुट आप आम इन आपका क्या मतलब है जब आपके घर कोई गेस्ट आता है आप उनको गले मिलते हो ठीक है जो हल्की सी हग करते हो दैट इज द मीनिंग ऑफ आम इनाम कि मैं घर के हर एक मेंबर को गले लगाकर मिला मिस्टर पैगोटी मिसिस गैम्ब्रिज हैम ठीक है आमिन आमीन उनको उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा वार्म वेलकम दिया कैरिंग पुटिंग अप आई प्रोमिस्ड ऑन द रोड टू राइट हर ठीक है मैंने रास्ते में जाते हुए उनको प्रॉमिस किया बाय करते हुए कि मैं उनको लेटर लिखाऊँ लिखूँगा वी वर ग्रेटली ओवरकम एट पार्टिंग एंड इफ एवर इन माई लाइफ आई हैव हैड अ वॉय मेड इन माई हर्ड आई हैड वन मेड दैट डे वॉर्ड का क्या मतलब होता है एम्प्टी स्पेस ठीक है आपके लाइफ में आपके दिल में कोई खाली जगह रह जाती है जिसे आप भरना चाहते हो ठीक है मतलब डेविड को वहाँ से जाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसका जो दिल था उसे लग रहा था कि मैं पूरी तरह से अंदर से खाली हो गया हूँ तो वो कह रहा है कि आई प्रोमिस टू माई सेल्फ कि मैंने इस जगह को एक दिन ज़रूर भरूँगा दैट आई हैड वन मेड वन मेड दैट डे ठीक है मैं अपनी इस जगह को अपनी लाइफ में कम्प्लीट कर लूँगा जो मुझे इस घर से जाते हुए खालीपन महसूस हो रहा है मैं इसे ज़रूर कम्प्लीट करूँगा ना मूव ओन योर क्वेश्चन आंसर्स ऑन दैट डे वी कंप्लीटेड अप टू फोर नेक्स्ट क्वेश्चन वट डिड पेगोटी इन्फॉर्म डैवी इन द प्राइवेसी ऑफिस कैबन ठीक है यू वेरी विल नो देट पेगोटी इन्फॉर्म डैवी दैट हैम एंड डैमली वर एंड ऑर्फेन नीस एंड नैफ्यू हू मिस्टर पेगोटी हैड अडोप्टड एट डिफरेंट टाइम्स इन देयर चाइल्डहुड ठीक है होस्ट क्या होता है होस्ट वही होता है जो गरबें का मालिक होता है मिस्टर पेगोटी ने उनको अडॉप्ट किया था एंड मिसेस कैम्ब्रिज वॉज द विडो ऑफिस पार्टनर इन अ बोट हु हैड डाइड वेरी पुअर आई होप नाउ यू हैव टू क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन वट डिड पेगोटी से अबाउट मिस्टर पेगोटी पेगोटी सेड दैट दो मिस्टर पेगोटी Was a poor himself, he was as good as gold and as true as steel. These are the symbols, as I told you. What did Davy mean? And when he said here was a coincidence, Davy meant that just like Emily, Davy too had not seen his father, and the both of them had lost their father at the early age was the common thing between them. What would Emily do if she were ever to be a lady? Emily would give a sky blue coat with diamond buttons, trousers, red velvet wrist coat, a cocked hat, a large gold watch, a silver pipe, and a box of money to Mr. Pagotti if she was able to be a lady. Clear? Now move on your next page. Reference to context. No, master. I am a bachelor. Okay? Who said these words to whom? You very well know that Mr. Pagotti said these words to Davy. Why were these words were spoken? Okay? Because Davy had asked Mr. Pagotti if he had any children. How did the speaker say the above line? What does this tell us about the speaker? Mr. Pagotti said the above line with a short laugh. This tells us that the speaker did not mind for the asking so many questions by the Davy. This seemed to impoverable picture. Who does? Me refer to in the above line. In the above line, me refers to the Davy. Next question What picture was being referred to? The picture being referred to was of Emily, her uncle, her, Mrs. Gambridge becoming gentlefolks together. What was the speaker's reaction to the picture? The speaker expressed his pleasure in the contemplation of it. Clear? Next. And if ever in my life I have had a void made in my heart, I had one made that day. Who said these words? Common sense, said David. Said these words. What void was being referred to in the above line? The void referred to in the above line was the emptiness and agony that David felt on the living Emily. Why was there a void? The void was due to the separation and parting from Emily. Clear खालीपन क्यों है क्योंकि वो Emily और पूरी पैगोटिस की पूरी फैमिलीज़ को छोड़के जा रहा है। So dear students, please learn these question answers and reference to context and revise it at your rough notebook. Thank you. Have a nice day.